अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन दबाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड ने एक एग्ज़ाम को लेके एक नई गाइडलाइन जारी किया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट है या फिर एग्ज़ाम कंट्रोलर है, दोनों के लिए आवश्यक वीडियो है। तो चलिए, क्या कुछ है इस वीडियो में आपके साथ बात कर लेता हूँ आगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये livehindustan.com की कल की खबर है, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ट्यूसडे 29 जनवरी 2019। तो क्या कुछ इस खबर में आप पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड इंटर व मैट्रिक परीक्षा में इस बार छात्रों को उनके रोल नंबर के साथ उनकी उत्तर पुस्तिका के अनुसार बैठने की व्यवस्था रहेगी। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस बार जो आपको एग्जाम में बैठाया जाएगा तो आपका जो रोल नंबर होगा और आंसर शीट जो दिया जाएगा और जो आपके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उन तीनों पे एक कॉमन नंबर मेंशन होगा, एक नंबर मेंशन होगा। जैसे कि आप 1, 2, 3 नंबर अगर लिखा है आपके सीट पे, तो यही नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे और आंसर शीट पे भी लिखा होगा, तो आप इसको भली भांति मैच कर लेंगे। और इसी तरह की ये गाइडलाइन जो है, आप एक बार दोबारा से आगे भी पढ़ लीजिए इस खबर को, पूरी खबर ही पढ़ लीजिए आप। इस बार उत्तर पुस्तिका ओमआर पर आधारित उत्तर पत्रक अटेंडेंस शीट, यानी कि आपका जो अटेंडेंस शीट जो बीच में एक एग्जाम भिजलर होता है, वो लेके आएंगे अटेंडेंस बनाने के लिए कि आप अपना, आप एग्जाम में प्रेजेंट हुए हैं या एब्सेंट हुए, ये चीज़ आपको डिटेल भरनी होती है, उसको भी आपको भरना होता है, तो काफ़ी ध्यान से भरिएगा। तो चलिए आगे अगली लाइन देख लेते हैं। इसको लेकर सभी केंद्र अधीक्षक DEO DPO ने तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि जैसे ही बोर्ड ने ये गाइडलाइन जारी किया, उसके बाद जो भी एग्जाम करवाने वाले अधिकारी होते हैं, वो उन्होंने इस पर अपना एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। उसके बाद आगे आगे जो लाइन छपा इस अखबार, बोर्ड दे रहा है छात्रों को प्रिंटेड जानकारी, ज्ञात हो कि इस बार छात्र के नाम के साथ उनकी सारी जानकारी बोर्ड द्वारा ही प्रिंटेड की गई है, इस कारण से उत्तर पुस्तिका पहले से ही छात्रों का रोल नंबर रहेंगे। हाँ, एक चीज आपसे कॉमन मिस्टेक हो जाया करता था रोल नंबर भरने में या नाम लिखने बच्चों का, तो इस बार इस तरह की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो रोल नंबर होगा और आपकी जो नाम वगैरह होगा, वो पहले से ही आपके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट पे उपलब्ध होगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, जिससे कि बच्चे गलती ना कर पाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान दें कि आप जो, आपको जो आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिला है या अटेंडेंस शीट मिला, वो आप अपना, आप ही का है कि नहीं ये मैच कर लीजिएगा, आप अपने एडमिट कार्ड के रोल नंबर के साथ मैच कर लीजिएगा। ये भी देख लीजिएगा कोई रोल नंबर में गलती तो नहीं है, अगर कोई इस तरह की गलती पाई जाती हो तो आप तुरंत जो एग्जाम कंट्रोलर होते हैं या विजिलर होते हैं, उनसे तुरंत इसकी जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप और अधिक आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही, ध्यान रखिएगा।